आगरा बिन इलाही शेख कमेटी के हाजी सूफी बिंदन मियां ने इस वर्ष भी बाद नमाज जौहर ईद मिलाद उन नबी 12 रबी उल अव्वल के अवसर पर बड़ी ही शान और शौकत से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जो कि बेगम डियोरी से प्रारंभ होकर पाए चौकी, तिलक बाजार, फुलटी बाजार, हॉस्पिटल रोड, फुटबारा स्थित सैयद इरफान अहमद सलीम सभी आगाई के नेतृत्व वाले जुलूस में सम्मिलित होकर जामा मस्जिद पहुंचकर हाजी बिलाल के जुलूस में शामिल होकर लालबंद चौराहे तक गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अकीर्तमंदों ने भाग लिया, जिसमें की ऊंट घोड़े व झांकियाँ आकर्षक का केंद्र रही। झांकियों में अल्लाह और मोहम्मद इमाम हुसैन का रोजा व खानकाह काबा तथा मुस्लिम समाज के लोगों ने उक्त चौकियों की काफी तारीफ की। जुलूस में मुख्य रूप से हाजी मोहम्मद शब्बीर, हाजी चौधरी सरफराज खान, हाजी सूफी मजीद मियां, हाजी शाहिद बुंदन, जाहिद बुंदन, नवीन बुंदन, जावेद बुंदन, मोहसिन बुंदन, नवीन चंद शर्मा, राधी बघेल, मोहम्मद निजाम, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद सनी, मोहम्मद जाकिर आदि के अतिरिक्त सैकड़ों कीर्तमंत चल रहे थे। आगरा से एडी न्यूज 15 सच आप तक के लिए सलामुद्दीन अब्बासी के साथ विष्णु कुमार की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। मेरा नाम बुंदन भैया है, ना से पाई चौकी का जलूस मोहम्मद जलूस चलता है और दुनिया को पैगाम देता है, भाईचारे का। हिंदू मुसलमान भाई सभी मानते हैं, तो दुनिया में आए थे वो, एक मोहब्बत का पैगाम दिया था, भाईचारे का बनाया था, दीन तो फैलाया था उन्होंने और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और मैं ये चाहता हूँ हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तान के लिए दुआ मनाई जाती है, भाईचारा मनाया जाता है, सब त्योहारे होली दिवाली कोई भी सब भाईचारे से मनाया जाए, हमारे भारत में भाईचारे की मोहब्बत मनाया जाए और अपने नबी की मुबारकबाद देते हैं हम सबको, और ये द्रोणपति भी चल रही है उनकी भी मुबारकबाद देते हैं। गणपति नहीं, प्रशासन बहुत देखभाल कर रही है, प्रशासन ने सब इंतजाम कराए सब, और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया रहते हैं प्रशासन का। क्या प्रोग्राम है? मैं समी आगाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मुस्लिम विकास परिषद। आज पूरी दुनिया में बड़े जश्न का माहौल है, क्योंकि पूरे आलम में इस्लाम के मानने वाले रहमतुल आलमीन सरवरदो कायनात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज यौम विलादत है। इस मौके पर पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले पूरे जोश व खरोश के साथ और पूरी अकीदत के साथ ईद मिलादुन नबी को जश्न के रूप में मना रहे हैं, और इस मौके पर हम सभी देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को और आगरा वासियों को ईद मिलादुन नबी की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज के इस दिन पूरी दुनिया में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम इंसानियत का है उसको आम करने का दिन है। ख़ासकर हिंदुस्तान में जिस तरीके की आज की परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आदेश हैं, जो उनके पैगाम हैं, वो आम जन तक पहुँचाए, सब लोग आपस में भाईचारे से रहें, मोहब्बत से रहें, खुलूस से रहें और ये देश तरक्की करे। जब भी हम विश्वगुरु बन पाएंगे, जब सभी लोगों का, सभी धर्मों का, सभी मज़हब के मानने वालों का इसमें सहयोग होगा। तो इस मौके पर, ईद मिलादुन नबी के मौके पर, आप सभी देशवासियों को एक बार पुनः मुबारकबाद। और हम यहाँ टीया पाई चौकी बेगम डौली से सूफी बुंदन मियाँ की सदारत में ये जुलूस यहाँ से निकलकर हॉस्पिटल रोड पहुँचेगा, उसके बाद जामा मस्जिद पहुँचेगा और फिर ये अजीम और शान आगरा का जुलूस बनकर पूरी दुनिया और पूरे आगरा शहर वासियों को ये पैगाम देगा कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है उसको जन जन तक पहुंचाएं, आम करें और आपसी भाईचारे के साथ, सौहार्द के साथ इसको जुलूस को अपने गंतव्य तक पहुंचाएं। एक बार पुनः सभी देशवासियों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन नबी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने दोनों जुलूस एक दिन थे तो इसीलिए सभी संभ्रांत नागरिकों के साथ पीस कमेटी डिसाइड कर दी गई थी कि गणेश विसर्जन होगा और उसके बाद 12 बजे का जुलूस निकलेगा। सभी ने हमारी बात मानी, आप
कार्यक्रम सकुशल संपन्न करा रहे हैं। आज शहर वासियों का धुन दे जाते जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देखने मिला है, बहुत प्रशंसा हुई। सभी से ये कहेंगे कि इस एकता को, इस भाईचारे को हमेशा बनाए रखें। हम लोग एक साथ सभी लोग खुश हैं एक दूसरे के साथ और इसी तरीके से भाईचारे के साथ जो आने वाला त्यौहार है उसको मनाएं। पुलिस हमेशा आम नागरिक के साथ खड़ी रहती है, आगे भी हम लोगों को कभी भी इस तरह की जरूरत पड़ेगी तो हमेशा इस तरीके से मुस्तैद खड़े रहेंगे।